नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। तो दोस्तों, आज सपने की सीरीज में हमारा विषय है सपने में पेड़ की जड़ों को देखना, या दूसरी कंडीशन ये है कि सपने में पेड़ की जड़ों को काटते हुए देखना। तो दोस्तों, यहाँ पे दो सपने की बात हो रही है। पहला सपना जिसमें आप सिर्फ पेड़ देखते हैं, पेड़ की जड़ों को देखते हैं, बड़ी बड़ी जड़ों को, चाहे वो छोटी भी जड़ हो सकती है। हो सकता है आप किसी प्लांट को देखते हैं और उसकी जड़ को देख रहे हैं, या बहुत विशाल पेड़ देख रहे हैं और उसकी बड़ी बड़ी जड़ों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, सपने में किसी भी पेड़ की जड़ को देखना एक बहुत ही शुभ सपना होता है। स्वप्न ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से सपने में जड़ देखना आपके दीर्घायु होने की निशानी होता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप सपने में जड़ काटते हुए देखते हैं, या आप देखते हैं कि आप या तो खुद जड़ काट रहे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति जड़ खोद कर पेड़ को साफ कर रहा है, तो दोस्तों ऐसा सपना शुभ नहीं होता है। सपने में खुद को जड़ काटते हुए देखना या दूसरों को जड़ काटते हुए देखना एक अच्छा सपना नहीं है। मान्यता है कि ऐसे सपने किसी आने वाले संकट या परेशानी की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो सचेत हो जाइए अपने कार्यों को करने में, क्योंकि ये संकेत आपको बता रहे हैं कि आपको सचेत होकर मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।